आपकी पार्टी के अंदर हंगामा मचा हुआ है कि पिछली सरकार जो आपकी रही यूपीए 2 उसकी कमियां गिनाने और उसके नेताओं पर गलतियों का ठीकरा फोड़ने की होड़ लगी है। अभी आप उस अभी सरकार के दौरान मंत्री थे, आपको लगता है वो सरकार दूसरी तरफ चल पड़े? अब नहीं, राम मंदिर भी उसमें से एक विषय है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको लगता है ऐसी कुछ चीजें जिनको आप आज कर रहे हैं? कमलनाथ जी, आप तो सवालों का सामना करने के लिए जाने जाते हैं और ये तो कोई ऐसा विषय भी नहीं जिस पर आप बोल ना रहे हो, जो मैंने छुआ है। मैं तो सामना कर रहा हूँ। आप सुनने का सामना करिए ना। मैं तो सामना कर रहा हूँ आपके सवालों का, आप सुनने का सामना करिए। मैं तो सुन रहा हूँ सर। मैं तो पूछ रहा हूँ सर कि क्या आपको नहीं लगता ये जो राम वनगमन की बात आप आज कर रहे हैं कि आप बनाना चाहते थे, या राम मंदिर को लेकर जो आप बिना इफ एंड बट के बातें कर रहे हैं, यही वो गलतियां थी जिनकी तरफ इशारा आज आपकी पार्टी के कुछ नेता कर रहे हैं और जिसके बाद घमासान मच गया कि साहब यूपीटीओ ने गलती की या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई विवाद नहीं है। मैं सब नेताओं से, हर पक्ष के नेताओं से, ये होता है, ये भाजपा में नहीं है, हर राजनीति दल में स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है कि अलग अलग राय होती है। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि कोई विवाद हो गया, कोई फूट है। मैं तो सबसे बात करता हूं, मैं भोपाल में सबसे बात कर रहा हूं, कोई ऐसी फूट नहीं है, सबके अपने विचार हैं। सर, फूट थी तभी तो आपका एक धड़ा टूट के चला गया दूसरी तरफ और आपकी अच्छी खासी चलती हुई सरकार वो पलट गई। अगर आपकी पार्टी की देखिए, जहां सौदे की राजनीति मुख्यमंत्री से बात कर रहा होता कि अपने विश की पहली दफे सौदे की राजनीति, संविधान हाँ को ठुकराना, ये सौदे से, प्रलोभन से आप कोई सरकार बना ले, कोई सरकार बिगाड़ ले, क्या इसमें हमारा हित है? क्या यही हम नक्शा अपने देश का बनाना चाहते हैं? कैसे सरकार गई ये मैं जानता हूं, सब जानते हैं, आम मतदाता जानता हूं, आप भी जानते हैं कि किस प्रकार के सौदे, किस प्रकार का प्रलोभन हुआ। आप सौदा करके कुछ कर लो, आपको चुनाव करवाने की क्या जरूरत? बोली की सरकार है, सौदे की सरकार बनी है, बोली बोल लो और सरकार बना लो। वो आपकी पार्टी का नेतृत्व भी तो कर सकता था जब आपकी सरकार जा रही थी। आपकी पार्टी के नेतृत्व ने क्या कोई स्टैंड लिया, कोई मदद की, खड़े हुए आपके साथ आके, जैसा आज राजस्थान में दिख रहा है? हम सौदा करते वाला? हम क्या सौदा करते? आप क्या कह रहे हैं? हमें सौदा करना चाहिए था, हमें बोली बोलनी चाहिए थी कि यहाँ आपको ऐसा है, वहां हमारी तरफ से ऐसा है, कि हमें बोली बोलनी चाहिए थी। मैंने उस प्रकार की राजनीति ना करी है, ना हमारी पार्टी ने करी है, ना हम करेंगे। आज राजस्थान में जो हो रहा है, अशोक गहलोत से जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं मैं कमलनाथ नहीं हूं, मैं अशोक गहलोत हूं, मेरी सरकार नहीं जाएगी। फर्क क्या है कमलनाथ और अशोक गहलोत होने में? मैं नहीं जानता वो क्या कहते हैं। मैं ये जानता हूं कि हर सुप्रीम कोर्ट, हर हाई कोर्ट ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट करा लो, पहले दिन फ्लोर टेस्ट करवा लेना चाहिए था। फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं होता? ये आज पूरा देश गवाह है, पूरा राजस्थान गवाह है। फ्लोर टेस्ट पर नहीं, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद क्यों नहीं फ्लोर टेस्ट कराते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर कोर्ट, कर्नाटक ने कहा, अरुणाचल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा। आज एक ऐसा हाई कोर्ट है जो कहते हैं नहीं नहीं, हमें फ्लोर टेस्ट नहीं चाहिए क्योंकि बीजेपी नहीं जीतेगी। ये क्या मजाक है? ये तो इस तरफ जिस पटरी पर आज की राजनीति चल रही है, आपको लगता नहीं देश के लिए बहुत खतरनाक है? मैं अंत में यही कहना चाहता हूं,